हेलो दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त छत्तीस पे है कल हम नीचे की तरफ आए जो हम नीचे के टारगेट या लॉन्ग पॉइंट ज्यूम रहे थे बिल्कुल आ, सिमिलर पॉइंट पे आए थोड़ी विक नीचे की तरफ ली और उसके बाद स्लाइड ऊपर की तरफ जाना अभी शुरू किया नेक्स्ट हमें क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मार्केट नीचे की तरफ क्यों आए ऊपर जाने का क्या रीज़न हो सकता है जो मैं बात करता होता हूँ प्रूफ ऑफ द मूव ढूंढने की कोशिश करेंगे और, और थोड़ी सी न्यूज़ पे डेटा पे ऑर्डर बुक पे इन सब चीज़ों पे बात करेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें रोजाना हम करते हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम ठीक है तो मैं ज़रा ना यहाँ पे वो भी चला लूँ पहले ही बुक मैप को क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाता है दोस्तों लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ठीक है मैं ज़रा चलता हूँ इसको सेटिंग करता हूँ ठीक है चलें जी और अच्छा स्तार लेते स्टैप डॉट कॉम हमारी वेबसाइट से ज़रूर विजिट कीजिए आपको हमेशा कहते रहते हैं यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जहाँ पे हमारा पार्टनर एक्सचेंज है और हमारा डिस्कॉर्ड है यहाँ से आप कोई भी आईडी बनाएंगे उसके डेफिनेटली आपको बेनिफिट होंगे खैर फियर एंड ग्रीड पे आते हैं सिक्सटी हो गया है जी ग्रिड ठीक है सिक्सटी प्लस थे ऑलमोस्ट सेवेंटी पे तक भी गए थे स्लाइडली कम होना शुरू हो गया और मैं आपको कंटिन्यूअली ये कह रहा हूँ कि जब जब ये 60 प्लस होगा तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती बस एक पुश लेके फिर नीचे ही आएगी अगर वो ऊपर को पुश लेती भी है तो नाउ 60 सिक्सटी है डेफिनेटली स्लाइड हम ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं सेवनटी uh, होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जाएगी तो स्लाइड ऊपर की तरफ पुश हो सकती है ठीक है यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन एशियन भी ग्रीन और यूएस uh, भी खुली तो नहीं है अभी बट आई थिंक प्री मार्केट पे अगर मैं चला जो वो भी ग्रीन ही है ठीक है ना उसकी मेन रीज़न एंड कल का जो डाटा था इन्फ्लेशन डाटा वो डाउन हुआ ठीक है और एक्चुअली इन्फ्लेशन डाटा डाउन हुआ जिसकी वजह से गोल्ड ने अच्छा पंप लिया और ट्रेडिशनल मार्केट्स भी ऊपर की तरफ गई लेकिन पी ने क्या किया लिक्विडेशन ग्रैप किया ठीक है ना नीचे की तरफ आया लोगों के लिक्विडिटी को ग्रैप किया और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया ठीक है तो आज जो डाटा आया वो उस पर भी बात कर लेते हैं अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना दिखाता ही चलू ये था हमारे पास कल का डाटा जो कि डॉलर के लिए बुरा था टोटली और मार्केट्स और बी वगैरह के लिए ये अच्छा था ठीक है ना डॉलर के लिए ये नीचे की तरफ था और आज का अगर हम डाटा देख लें जो इस वक्त यहाँ पे आया है ठीक है ना इसको मैं ऐसे कर लेता ना इसमें अगर आप पॉइंट देख लेना ठीक है बाकी ये आ गए हमारे पास ग्रीन ये आ गया ये भी बल्कि रेड आ गया ठीक है तो दो रेड आ गए तीन ग्रीन आ गए तो इसको ना समहा पता क्या कहते हैं कि मार्केट वो प्लस माइनस करके वहीं पे आ जाएगी क्योंकि कुछ सेंटिमेंट आ, आ, कुछ डाटा डॉलर डे, के लिए अच्छा है कुछ डाटा डॉलर के लिए अच्छा नहीं है तो समाह कोई बहुत ज्यादा स्नैरियो ऊपर या नीचे का नहीं होगा डॉलर स्लाइटली ऊपर चला जाएगा उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ जाएगा तो आज के डेटे का इतना कोई कंसर्न नहीं है जितना कि कल के डेटे का ठीक है तो समहा इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो मार्केट्स को क्या करना चाहिए स्लाइड ऊपर ही रहना चाहिए और बीटीसी को भी स्लाइड ऊपर ही रहना चाहिए नीचे जाने की कोई रीजन नहीं है अनलेस कि उन्होंने लिक्विडेशन ग्रैब ना करनी हो जैसे मैंने आपको कल भी कहा था थ्री रीजन व्हाई बिटकॉइन प्राइस फेल टू ब्रेक 37 इस आर्टिकल में लिखा है एक तो लिखा है जी इन्फ्लेशन गवर्नमेंट शट इंपैक्ट ऑन BTC प्राइस अच्छा इन्फ्लेशन का जो इम्पेक्ट था ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया बीटीसी प्राइस पे एक रीज़न उसने ये दिया है हिट एंड फियर ग्लोबल अच्छा ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का इस वक्त डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी फियर है ठीक है uh, और स्पॉट बिट ई टी एक्सपेक्टेशंस रेगुलेटरी सिक्योरिटी डेफिनेटली जब तक ये चीजें नहीं आएंगी ये चीजें सही नहीं होंगी ई वगैरह नहीं आएगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा बुल रन वगैरह आने की कोई इतनी खास तो नहीं है ठीक है बल्कि मैं आपको ना एक और भी चीज़ इंटरेस्टिंग दिखा देता हूँ अगर मुझे यहाँ पर टेलीग्राफ पे वो भी खबर क्यों नहीं हर स्टोरी में हो शायद अच्छा ये ये बड़ी आ, अच्छी खबर थी एक्स आर पी fake एक्स आर पी ट्रस्ट फाइलिंग अच्छा जी जैसे आ, e e e T F की खबर आ रही है बीटीसी की आ जाती है फिर Ethereum की आ जाती है कल तो ये हो गया एक्स आर पी की भी आ गया और एक्स आर पी ने भी वो ना दौड़ लगा दी ऊपर की तरफ और ये हालात चेक कर लो ठीक है ना एक्स आर पी ने भी आ, उस वक़्त अच्छी एक दौड़ लगाई और उसके बाद फिर दोबारा एक्स वहीं का वहीं नीचे आ गया मैंने जरा एक दफा एक्स का मैप भी देख लूँ यहां से मुझे अगर मिल जाए पे चलते हैं ओके okay. क्या कहते हैं यहाँ पे सम्हा अच्छा जी सही मार्केट यहाँ से मार्केट ने एक पंप और डंप किया है वाल सही है सही इंटरेस्टिंग न्यूज न्यूज़ को मेनली आपको बताने का मकसद है कि न्यूज़ प्ले होता है बहुत ज्यादा न्यूज को आने से फ़ौरन आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है ठीक है जो रह गया सो रह गया जो मिल गया सो मिल गया वो वाली आपको सब्र शुगर करके ना अपने प्लान से ही स्टिक रहना पड़ता है उसका कोई और दूसरा हाल नहीं होता बीइंग अ ट्रेडर आपको वो दूसरे के मुंह लाल हो जाए तो आपने चपेड़े नहीं मारनी है आपको स्टे काम डाउन रहना, ही रहना यही आपके पास बेस्ट सोल्यूशन होती है दोस्तों ठीक है अच्छा मेनली uh, uh, देखें अप ट्रेंड पे है कन्फर्म अप ट्रेंड पे है ट्रेडिशनल मार्केट फ्यूचर हाई हायर आफ्टर कूल इन्फ्लेशन डेटा ठीक है इन्फ्लेशन डेटा कूल है तो फ्यूचर ने हाई ही जाना uh, उसके अलावा यू के इन्फ्लेशन स्लो वो भी यू के इन्फ्लेशन का भी एक अच्छा ही रिजल्ट आया डेफिनेटली uh, अच्छा इस वक्त अगर हम देखें इनटू द ब्लॉक जो शॉर्ट टर्म में अर्ली सिग्नल देता है राइट नाउ right इस वक्त प्रेजेंट में बुलिश uh, कह लें थोड़ा सा स्नैरियो ठीक है यानी मार्केट इस वक्त uh, मैं अगर देखूं तो कैंडल ग्रीन ही बन रही होगी यस yes, इस वक्त ग्रीन पे ही जा रही है लेट्स सी वन आवर हियर ठीक है ना ये देखें इस वक्त ग्रीन ही बन रही है कैंडल ठीक है तो सम uh, पॉजिटिव है और एज लॉन्ग ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यूसली स्लोली और वट एवर ऊपर जाना जो लग जाएगी फिर भी देखें अभी तक ऑलमोस्ट अस्सी परसेंट लोग प्रॉफिट में हैं इसका मतलब मजीद मार्केट नीचे की तरफ बड़ा इजीली जा सकती है ठीक है इनफ्लो सात बिलियन का है आउटफ्लो सिक्स पॉइंट एट बिलियन का है ठीक है इनफ्लो का मतलब बीटीसी लोग इनफ्लो ज्यादा कर रहे हैं इनफ्लो ज्यादा करना इसलिए होता है जब लोगों ने बेचना होता है तो लोगों को सेल ऑफ का डर है और वो स्केयर uh, भी हैं इसलिए वो इनफ्लो uh, कर रहे हैं ज़्यादा ठीक है इससे क्या होगा मार्केट अगर सेल ऑफ आ गया तो अचानक बहुत हैवी सेल ऑफ आ सकता है हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं हे ब्लॉक लिक्विडिटी देखते हैं uh, अगर ये देखें इस वक्त शॉर्ट्स की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा मतलब शॉर्ट्स की डेल्टा लिक्विडेशन इस वक्त ज़्यादा है जिसका मतलब है कि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जंप ले सकती है स्पेशली सैंतीस हज़ार तीन सौ तक यहाँ तक सैंतीस हज़ार तीन सौ अठतीस हज़ार तक लाजिम चली जाएगी अच्छा मुझे ना एक सेकंड सैंतीस हज़ार तीन सौ को यहाँ पे देखना है कहाँ तक जाता है सैंतीस से हज़ार तीन सौ तकरीबन हाँ तकरीबन ये जोन बन रहा है ठीक है सैंतीस हज़ार तीन सौ वहाँ तक लिक्विडेशन है भी हमारे पास पड़ी हुई है ठीक है तो मार्केट क्या कर सकते हो ऊपर जाके सैंतीस हज़ार से तकरीबन फ़ौर नीचे की तरफ जा सकते हो और इधर प्रीवियस हाई से ऊपर स्विंग फेलर लेके फिर भी नीचे की तरफ आ जा। भी है तक हम क्योंकि आपको पता है बुलिश नहीं है सिर्फ यही रिज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो स्लाइट ऊपर पूछ लेके नीचे की तरफ ही आएगी उसकी ए, हीट मैप देख लें उसकी मेन रीजन ये ये सेवन डेज का हीट मैप है इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी है ठीक है इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से जाके नीचे की तरफ आ जाए ठीक है मैक्सिमम चलो हो गया तो ठीक है मार्केट हम ये भी उठाने के लिए जा सकती है लोगों को सरप्राइज करने लोगों को बुलिश करने के लिए लेकिन लॉजिकली जो प्रूफ ऑफ द मूव होती है वो ऐसे ही होती है ठीक है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ निकले वन मंथ की लिक्विडेशन को देख लेते हैं अगर आपको नजर आए यहाँ पे इस वक्त हमारे पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी बढ़ी अच्छी बढ़ी है बहुत अच्छी बढ़ी है और बीच में भी तकरीबन लिक्विडिटी है तो मार्केट को इस वक्त तो यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाना चाहिए तो आपने ये जेन अपने आप जेन रखना है मार्केट कहीं मून पे नहीं जा रही है जब तक वो यहाँ से कुछ उठाना ले ऊपर हाँ, जा सकती है वो शॉर्ट टर्म और छोटा पुश होगा ऊपर की तरफ ठीक है जा सकती है ठीक है मैं यहाँ तक आपको कहता हूँ जी बिल्कुल जा सकती है ठीक है और ये बहुत हैवी ऑर्डर है यानी ऑलमोस्ट मैं फोर्टी टू के पास चला गया यहाँ पे ठीक है जा सकती है यहाँ तक ठीक है पॉसिबल है लेकिन मून पे चले जाएगी इसको नहीं उठाने जाएगी इट्स इम्पॉसिबल ठीक है तो होने के, होने क्या वाला हमारे हम यहीं से नीचे आ जाएं प्रीवियस हाँ से सिर्फ ऊपर चले जाएं यहाँ बहुत लोगों को बुलिश करना है तो यहाँ पे चले जाएं अब मार्केट के पास ऊपर जाने के स्वाइस तीन से ए, कुछ भी इसका क्या मतलब है आपने शॉर्ट पकड़नी है यहाँ से पकड़नी है यहाँ से पकड़नी है यहाँ से पकड़नी है पकड़नी शॉर्ट है ठीक है लॉन्ग पे ज्यादा लॉन्ग पे वही कल जब हम नीचे आए थे उस वक्त लॉन्ग का था जो हमारा चैनल था मार्केट उस चैनल से नीचे उसने विक मारी और उसके बाद चल के टीए करते हुए आपको दिखा देते हैं ठीक है यहाँ पे आज ओपन इंटरेस्ट ये भी है ब्लॉक में दिखाता बहुत अच्छा दिखाते हैं बाइनेंस Bitmax, बिट का देख सकते। मैं का इस खोला ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तकरीबन हंड्रेड मिलियन का ये येलो कलर मतलब यहाँ पे हंड्रेड मिलियन का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, बाकी पचास मिलियन साठ मिलियन सत्तर मिलियन ऐसे यहाँ पे इस, इस जोन में ओपन इंटरेस्ट हुआ है ना मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पूरे जोन में नेट शॉर्ट ज्यादा है या नेट लॉन्ग ज्यादा है तो मैं सिंपली यहाँ पे नेट लॉन्ग करूंगा ठीक करूंग, है इसको रिफ्रेश करूंगा उसके बाद नेट शॉर्ट भी करके देख लेंगे हमें पता चल जाएगा नेट लॉन्ग ज़्यादा नेट शॉर्ट अच्छा नेट लॉन्ग में हमने पहले किए हैं तो हमें क्या ये दे रहा पचास है पचास मिलियन इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या बता रहा है तकरीबन साठ मिलियन तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पे इस जगह पे ज़्यादा है स्पेशली यहाँ पे देखें सिक्सटी सेवन मिलियन आपको नज़र आ रहा है सिक्सटी सेवन मिलियन की हमारे पास यहाँ पे नेट लॉन्ग्स लगी हुई हैं और ये इस वक्त ट्रैप है और मार्केट यहाँ नीचे है तो मार्केट को क्या बढ़ेगी मार्केट यहीं से ऐसे घूम घुमा के फिर नीचे भी आ सकती है इन लॉन्ग्स वालों को रिलीफ अगर नहीं देना चाहती अगर चल दे भी देती मार्केट यहाँ तक जाएगी फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी उससे क्या होगा कुछ लोग निकलने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं निकलेंगे अगर नहीं निकलेंगे तो वो फिर ट्रैप के ट्रैप तो दिस इज़ ट्रैपा मार्केट में अच्छा अभी हमने लॉन्ग्स देखी लॉन्ग्स ज़्यादा हैं लॉन्ग्स ज़्यादा हैं फिफ्टी मिलियन तक क्या यहाँ पर नजर आ रहा है ना फिफ्टी मिलियन आपको लिखा और ये तकरीबन सिक्सटी सेवन मिलियन अब मैं शॉर्ट्स दिखाने लगा सेम एरिया की शॉर्ट्स कितनी है हमें फौरन पता चल जाएगा के, बाइनस पे लोगों ने शॉर्ट अब यहाँ पे देखिए बाइनस सिर्फ ट्वेंटी मिलियन दिखा रहा है इसका मतलब तो भाई शॉर्ट ज्यादा नहीं है इसका मतलब तो यहाँ पे सेम जगह पे जहाँ पे हम अभी प्लस मिलियन देख रहे थे ये देखें, ये अट्ठाइस मिलियन आ रहा लिखा ऊपर थोड़ा चला जाऊ छत्तीस मिलियन लिखा आ रहा है यहाँ पे छत्तीस मिलियन तो अट्ठाइस छत्तीस यहाँ पे वहां पे जब हम देख रहे थे लॉन्ग्स में देख रहे थे पचास मिलियन वगैरह की लाइन लगी थोड़ी तो यहाँ पे लगी है छत्तीस अट्ठाईस मिलियन वगैरह की लाइन लगी हुई है ठीक है लेकिन समह जो एक चीज है ना यहाँ पे यहाँ पे लाइनें वैसे ज़्यादा लगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और मार्केट ठीक है यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा सकती आई मीन रिएक्शन ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं शॉर्टली अच्छा एक्सो चार्ट को भी तेजी से देख लें एक नज़र एक्सो चार्ट का इस वक्त कौन सा खुला फोर आवर का खुला अच्छा फोर आवर का है ओपन अच्छा सबसे सबसे पहले तो आप ये देखें अगर मैं इसको लूँ कैंडल को इस कैंडल को लूँ तो ये ऐसे ही बनेगी ठीक है ना ऊपर की तरफ और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ है फिर यहाँ से भी ले लूँ तो ये ऐसे बनेगी और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ तो समहाओ मार्केट ऊपर का पंप ले सकते इसलिए मार्केट इस वक्त स्लाइड ऊपर की तरफ जा भी रही है ठीक है तो आ, डेली चार्ट को एक नज़र देख लेते हैं अच्छा जी डेली चार्ट में इस वक्त कोई खास बिजनेस नहीं हुआ फाइव बिलियन इज़ नथिंग ठीक है म, आ, कल चौदह बिलियन का हुआ था अगर पाँच छः सात बिलियन का और आ जाता है देन यस मार्केट मूव कर सकती है अदरवाइज यहीं पे साइडवेज पे ही जित जितना हम आगे उतना ही और ऊपर नीचे होकर टाइम पास कर लेंगे ठीक है आ, बुक मैप पर एक नज़र बुक मैप कोई ख़ास चीज़ दिखा रहा है ऊपर छत्तीस नीचे नौ पैंतीस कुछ मज़ा नहीं आ रहा बुक मैप का भी आ, बुक मैप बुक मैप ठीक है यानी आप देख सकते हैं कि स्पॉट में भी अगर देखें तो हमारे पास ऊपर नीचे तकरीबन तक ऑर्डर है सी में इस वक्त कोई खास ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट ये चले जाए जी हम छत्तीस वही सैंतीस तो इसका मतलब है इसको मैं थोड़ा और कर लूँ फोर्टी पे मैक्स ठीक है हम इसी की बात कर रहे थे ना कल भी कर रहे थे 42 पे अभी आज भी मैंने बात की कि मैक्स अगर चले जाए तो 42 है जब मैं आपको पीछे हे ब्लॉक दिखा रहा हूँ आप दोबारा बेशक देख लें अगर नहीं देखा तो मैक्स ठीक है उसके बाद हम नीचे जाएं ये मैक्स लेवल हमने देखा होगा से ठीक है उसके अलावा मेन इतना एक्सपेक्टेड नहीं है बस यहीं से एक्सपेक्ट होना चाहिए मार्केट को तो जो हमारा चैनल हम उसी में अगर रहे ना जब तक उसको ब्रेक नहीं कर देते बेस्ट फॉर अस ठीक है अच्छा आ जाते हैं जी हम क्विक टीए की तरफ सबसे पहले डेली और वीकली की पे एक नज़र हमेशा की तरफ डाले डेली में अगर आप देखें हम इस चैनल से निकले इसके अंदर आए कल हम यहाँ पे थे आज हमने इसको मिड पॉइंट को जैसे ब्रेक है फौरन ऊपर की तरफ निकल गया ठीक है सो so, अभी हम इसी के अंदर डेफिनेटली से अगर बाहर निकलेंगे तो हम एक अच्छा पुष लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक दफा बाहर से होके गए और नीचे से लिक्विडिटी भी क्रैप कर लिए अदरवाइज मार्केट यहीं से दोबारा नीचे की तरफ आएगी तो हमने नेक्स्ट ब्रेक देखना है किस तरफ है नेक्स्ट ब्रेक देखना है और कन्फर्मेशन देखने की किस तरफ है डेफिनेटली मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगी तो उसके पास ये नेक्स्ट पुश है जो मैं कल भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्सिमम हम नीचे आके यहाँ से होके निकल जाएंगे ठीक है वीकली में थोड़ा चलते हैं वीकली में अगर देखिए मैंने आपको जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ था मैंने आपको कहा था ये हमारा ऐसे होना चाहिए ठीक है ना ये हमें इस गोल्डन लेवल को आके टेस्ट करना चाहिए ऐसे होना चाहिए ठीक है लेट सी अभी हम रेड में हैं देखते हैं कंटिन्यूसली ये भी हो सकता है ना यहाँ पे वीक खत्म हो जाए यहाँ पे वीक खत्म हो जाए अगला वीक यहाँ पे खत्म हो जाए ठीक है और उसके बाद फिर हम उसके बाद कोई नेक्स्ट वीक ठीक है मार्केट ऐसे ही घूम रही है उसमें कोई इतना वो नहीं है वॉल्यूम नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी स्लांग है हमारे दूसरा मैं आपको कंटिन्यूसली क्या कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या था ट्रेडिशनल वो वेक्टर कैंडल भी हमारे पास ठीक है ना दूसरा लॉगरिथमिक में आ है इसमें आप देखें ये इस इस बेस से भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ये हमारी नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए उसके बाद ऊपर की तरफ होना चाहिए तो ये येलो सी लाइन जो बनी ना ये नीचे से तीस हजार छह सौ ऊपर से इकतीस हजार आठ सौ इकतीस बत्तीस के बीच में आप कह लें तकरीबन तो मार्केट को यहाँ से आके ऐसे निकलना चाहिए इट्स वेरी नेचुरल और ये हमारा नेक्स्ट

और फिर जो जितने बुलिश वगैरह हुए होंगे वो सारी कहानी एक 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 मिनट में खत्म शुद्ध हो जाएगी ठीक है ना कल की मूव देख लेते हैं नीचे आते हैं हमने वेक्टर कैंडल बनाई दोबारा ऊपर चले गए वेक्टर कैंडल को रिकवर किया अब दोबारा वेक्टर कैंडल बना ली तो हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाजिम नहीं अभी करें डेफिनेटली मार्केट यहाँ से जाके ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ सकती है ठीक है एक तो वैक्टर कैंडल को आप उस हिसाब से ले लें अच्छा दूसरा मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ ये चैनल था जी जिसपे हम कल बात कर रहे थे लॉगरिथमिक में इस चैनल की एग्जैक्टली रिस्पेक्ट हो लोक लॉगरिथमिक में ठीक है आ, अगर हम वैसे देखें तो आप ये देखें ये इसको यहाँ से लें यहाँ से लें तो ये क्या हो रहा है मार्केट नीचे ही तीन चार कैंडल तीन दफा ऊपर जाने की कोशिश की उसके साथ ही ऊपर ऐसे निकले ना लॉगरिथमिक में दोबारा आपको दिखाता हूँ ये लॉगरिथमिक का बटन होता है लॉगरिथमिक में इसने एक एक्यूरेटली उसकी रिस्पेक्ट की उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई हाँ विक मारी नीचे ठीक है तो डेफिनेटली ये हमारा लॉन्ग पॉइंट था अगर आप ले सके दूसरा मैं लग दूत को दोबारा बंद कर दूँ एक सेकेंड के लिए ठीक है उसके अलावा आपको ये मैंने एक तो ये कर्व आपको बताया था ठीक है तो मार्केट इस वक्त कर इस कर्व में दोबारा एंट्री लेके अब स्ट्रगल करें ना मुझे इस कवर कर्व से कोई मजीद लेना देना नहीं क्योंकि जब उसने ब्रेक कर लिया तो उसको प्रेशर आ गया तो या तो यहीं से मार्केट जाती ना कल हमारा प्लान था यहाँ यहीं से यहाँ यहीं से, से मार्केट ऊपर जाए तो ये कर्व वाला स्नैरियो हमारा फिलहाल के लिए खत्म हो गया मैं इसको तो करने लगा बंद मेजर हमारे पास एक कर्व यहाँ पे भी बना पड़ा हुआ है ठीक है ये देखें ये मेजर कर्व है और मार्केट ने जिसे कहते हैं ना एक्चुअल क्रैश या डंप तब लेना जब उसने इस कर्व को तोड़ना है क्योंकि मार्केट अगर नीचे आती भी है ना यहाँ से टेस्ले के द्वारा ऊपर निकल सकती है ये कर्व तोड़ना बहुत होगा कि जी हाँ जी अब मार्केट में एक्चुअली क्रैश आ गया ठीक है इसको ना थोड़ा सा अभी मैंने बहुत हंड्रेड परसेंट एकट नहीं बनाया थोड़ा सा इसको ना देखा नीचे से या ट मोर एकट राइट नाउ हेयर ठीक है तो मार्केट जब इसको ब्रेक यहां पे आएगी ना तो इस बाइट कर्व पे ये भी एक अच्छा लॉन्ग या शॉर्ट पॉइंट होगा यहाँ से मार्केट मेक और ब्रेक करेगी यानी ऊपर यानी मेन ये होगा बाकी आपको पता है चैनल की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं जब भी ऊपर वाले जोन में हो शॉर्ट लगाएं जब भी नीचे वाले जोन में हो लॉन्ग लगाएं इसके ऊपर मैं कल भी बता रहा था यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें स्कूल करें देखें मार्केट क्या चाह रही है ठीक है मार्केट जब तक चैनल में तो चैनल को एंजॉय करें जब मार्केट चैनल से निकल जाए तब की तब हम देख लेंगे ठीक है यहाँ से जब आपके चैनल से निकल के मार्केट जाती भी है तो आपको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं देगी क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया था कल भी मार्केट का यहाँ पे आने का मकसद सबके स्टॉप लॉस हिट करना था स्टॉप लॉस हिट कर दिए अब मार्केट ऊपर जाने के लिए एक्चुअली काफ़ी फ्री हो जाती है इन 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 सचे केस अब देखते हैं मिड से आके हमें क्या पॉइंट uh, क्या मिलता है ठीक है ना मोस्ट प्रोबली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हम यहाँ से मिड पे जाएंगे बस मिड पे ठीक है उसकी कुछ थोड़ा सा देखें गोल्डन पॉकेट कहाँ पे हमें दे रही है ठीक है अच्छा जी गोल्डन पॉकेट हमें यहाँ पे आ रही है इस वक्त स्लाइड इससे ऊपर ना जो हमारा फेवरेट पॉइंट है ठीक है तो मार्केट यहाँ से आएगी यहाँ से मैं उसको रिएक्शन देखूंगा कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग लेती है या नीचे आते हुए मुझे यहीं से शॉर्ट लेने और जो तकरीबन बचा था छत्तीस हज़ार सात सौ छत्तीस हज़ार आठ सौ ये पॉइंट है यहाँ से स्नैरियो देखने के मार्केट किस तरफ निकलती है ठीक है अगर अगर आप ट्रेड में नहीं है तो या आपने ट्रेड में से निकल अलट से आपने यहाँ से लॉन्ग लगाई तो ये लेवल होगा एक दफा नोटिस करने का कि मार्केट ऊपर निकल गया या नीचे जा रही जो हमने अभी गोल्डन लेवल बताया आपको उसके अलावा दो तीन और चीजें भी हैं इसमें से सबसे पहले ये है अच्छा ये देखिये मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आई उसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टच किया दोबारा ऊपर वाले मेरे हाईकर के ऊपर क्रॉस करके निकल वाले मेरे मेरिये पे थोड़ी उसने स्ट्रगल की है यहाँ पे बारह तेरह घंटे चार चार घंटे की ये कैंडल फिर भी बहरहाल ऊपर की तरफ निकल गई है ठीक है ना आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से दोबारा है नीचे ये वो जगह होगी जहाँ पे आई मीन मोस्ट प्रोबली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए ठीक है टू हंड्रेड ई एम ए यहाँ पे कर्व यहाँ पे मार्केट को ऐसे आके उसके बाद फिर देखना चाहिए कि मार्केट में सेल ऑफ आता है या मार्केट स्टेबल होकर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है ना इसके लिए हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं

फोर आवर में देखूं इस वक्त ये काफ़ी ओवरसोल्ड हुए पड़े तो मार्केट ऊपर की तरफ ही साइन दे रही है तो डेफिनेटली हमें स्लाइट ऊपर जाके ही नीचे आना यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ट्रेड को उसी हिसाब से लगाइएगा डेली में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो का डेली को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको मैं जरा क्लोज कर लूँ डेली <coughs> में देखें हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इस वक्त ओवरबोर्ड तो नहीं है लेकिन एनी वे यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें बेरी सिग्नल था यहाँ पे ऐसे था

शॉर्ट पकड़नी है शॉर्ट पकड़नी है नीचे से तब यहाँ पे हमने अब कुछ नहीं करना है निकलने की सूरत में रिएक्शन देखना है कि क्या हम यहाँ से लेते हैं तो हमें यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है और इधर यहाँ पे हमें रिएक्शन नोट करना है जो हमने अभी सी पी आर पर हमें क्या रिएक्शन मिलता है ठीक है बाकी अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट में ठीक है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे अगर शॉर्ट में एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं स्टॉप लॉस लगाएं दैट्स इट सिंपल एज दैट ठीक है और तो नई चीज़ें को रिसर्च करें मैं एक दो नई चीज़ें नई वेबसाइट्स भी लेके आ, आ रहा हूँ आपको थोड़ा सा जस्ट बताने के लिए अटेंड करने के लिए कि इन चीज़ों को आपको स्टडी करना चाहिए फॉर एक टाइम में आपके लिए बेनिफिट्स वगैरह होंगे इसमें ठीक है तो वो फिर मैं आपको उसके बारे में मजीद बाद में बताऊँगा यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं कल मिलेंगे टेक केयर बाय